सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। झूठ कहते हैं कि संगत का असर होता है। आज तक न कांटों को महकने का सलीका आया और न फूलों को चुभना आया। सदा उनके कर्जदार रहिए जो आपके लिए खुद का वक्त नहीं देखता, और सदा ही उनके वफादार रहिए जो व्यस्त होने के बावजूद आपके लिए वक्त निकालते हैं। मंजिल पर पहुंचना है तो कभी राह के कांटों से मत घबराना, क्योंकि कांटे ही तो बढ़ाते हैं रफ्तार हमारे कदमों की। आज का पंचांग 5 अगस्त 2020, दिन बुधवार, सावन मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि, रात्रि 10:50 तक रहेगी। इसके उपरांत तृतीय तिथि प्रारंभ हो जाएगी। धनिष्ठा नामक नक्षत्र सुबह 9:30 तक रहेगी। इसके उपरांत सद्भीषण नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात अशुभ समय 12:26 से 2:03 तक रहेगा। आज का कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं है। अगर आज आप कोई शुभ काम करने जा रहे हैं तो कल के लिए टाल दी। आज चंद्रमा कुंभ राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कर्क राशि पर रहेंगे। मकर राशि 5 अगस्त 2020, दिन बुधवार। अगर कोई स्थान परिवर्तन संबंधित योजना बन रही है तो आज उस पर गंभीरता से विचार करें। ग्रह गोचर आपके पक्ष में है। आय और व्यय में समानता बनी रहेगी। किसी धार्मिक स्थल पर भी जाने का प्रोग्राम बनेगा, परंतु प्रोग्राम रद्द हो सकती है। आज के दिन आपके लिए काफी व्यस्त और दौड़ भाग से भरा हुआ रह सकता है। आपको आज कई चीजें एक साथ मैनेज करनी पड़ सकती है। आज कुछ घटनाक्रम बहुत तेजी से घट सकते हैं, आप इसके लिए तैयार नहीं रहेंगे। कुछ काम आपकी लापरवाही से अटक सकते हैं। दिन आपके लिए कई बातों की शुरुआत के लिहाज से काफी अच्छा रह सकता है, आपको इसका लाभ उठाना चाहिए। कुछ टारगेट में आप अपने पक्ष में परिणाम देखेंगे। निवेशक निर्यात और आयात से संबंधित एक नए बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सावधानियां, दूसरों पर ज्यादा डिसिप्लिन न रख कर अपने व्यवहार में लचीलापन लाएं, इससे आपके संबंध खराब नहीं होंगे। साथ ही बहुत अधिक सोचने की अपेक्षा अपनी योजनाओं को क्रियान्वित भी करने में समय लगाएं। लव लाइफ की बात करें तो जो आसपास है अपने पार्टनर के साथ समय बिताने के दौरान कई तरह की क्रिएटिविटी करें। जैसे आप साथ में एडवेंचर ट्रिप पर जा सकते हैं या कुछ ऐसा कर सकते हैं जो आपके पार्टनर को पसंद हो। खासकर अपने पार्टनर के साथ घर पर ही लंच करें, परंतु वह कुछ खास होना चाहिए। शादीशुदा जोड़ों के लिए अपने समय में नए सदस्य के आने के बारे में बात करने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। करियर की बात करें तो आपको समय से अपनी विलंब परिस्थितियों के लिए धन संचित कर रहे थे और अब अपनी योजनाओं के क्रियान्वयन का यह सही समय है। जब आप कुछ वस्तु खरीदने जाएंगे तो हो सकता है कि आप कुछ बड़ी एवं सुव्यवस्थित चीज को देकर उसे खरीदने की सोचें, परंतु आपको अपने बजट के भीतर रहकर ही काम करना है। वह आज परिहार्य है, लेकिन आज अनावश्यक चीजों पर खर्च करने से बचें। सेहत की बात करें तो आप अपनी नौकरी की मांग से चलते अस्वास्थ्यकर घंटों में भी काम करते रहे हैं, इससे आपकी सेहत पर बुरा असर पड़ रहा है। सुबह जल्दी उठकर सैर पर जाने और जॉगिंग करने की कोशिश करें, इससे आपका शरीर और मन दोनों ही तरोताजा महसूस करेगा। आज का उपाय, आज आप गणेश भगवान जी को सिंदूर चढ़ाएं। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।